तो भाई सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हो। तो जो लास्ट वीडियो हमारा था टिप्स एंड ट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो, उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और आपने पूछा कि एक जो पहला वीडियो था हमारा वो था हाउ टू टेक अ ग्रिप अगेंस्ट हुकर इन स्ट्रैप। तो उसमें बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अब यहाँ पर अगर टॉप रोलर है हमारे सामने और हम हुकर है तो हम क्या करें। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है कि हाउ टू टेक अ ग्रिप अगेंस्ट टॉप रोलर इन स्ट्रैप और विदाउट स्ट्रैप। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर आप एक हुकर हो और आपके सामने टॉप रोलर है खेलने के लिए, तो पहली जो चीजें आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपके अंदर उससे ज्यादा पावर हो बेसिकली। लाइक आपका कपिंग स्ट्रेंथ उससे अच्छा हो, आपका फिंगर स्ट्रेंथ उससे अच्छा हो, आपका हुक स्ट्रेंथ उससे अच्छा हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत टॉप रोलर्स का सिर्फ टॉप रोल ही अच्छा होता है, उनका हुक अच्छा नहीं होता। बट दिक्कत ये होती है कि वो हुक में घूम नहीं पाते, ठीक है। तो आपको बेसिक इन चीजों का ध्यान रखना कि आपका फिंगर, कपिंग और ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम ग्रिप ले सकते हैं टॉप रोलर के अगेंस्ट। तो आप देख पा रहे हैं अतिकेश है मेरे साथ, ठीक है। अतिकेश इस समय प्रॉपर टॉप रोलर है एंड मैं एक प्रॉपर हुकर हूँ। तो सपोज यहाँ पे आपका रेफरी ग्रिप हो, रेफरी ग्रिप होते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपका हाथ रेफरी रखवाए तो वो जो गैप है वो कवर ना कर पाए टॉप रोलर, टॉप रोलर पीछे ना जा पाए। आप हमेशा अपना हाथ पूरा आगे रखो, आप जितना आगे बढ़ा सकते हो हाथ उतना आगे बढ़ाकर रखो, ठीक है। अब रेफरी ग्रिप में क्या होता है, आपका जो पाम है आप अपने पाम से उसके पाम पे टक्कर मारो। बेसिकली आपको अपना साइड प्रेशर देना है, अपना साइड आपको लेना है। क्योंकि क्या होता है, हुकर के लिए शोल्डर अलाइनमेंट अंदर रहना बहुत जरूरी होता है और टॉप रोलर का अलाइनमेंट बाहर जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ये इसके शोल्डर का अलाइनमेंट है, इससे हाथ बाहर जाना चाहिए और मेरा अलाइनमेंट यहाँ अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर रेफरी ग्रिप हो रहा है तो मैंने जो अपना थंब वाला ये पार्ट है, जो ये वाला मेरा पार्ट है, इस पार्ट से इसके इसी पार्ट पे टक्कर मार दो, एक उससे साइड प्रेशर दे रहा हूं, ठीक है। तो रेफरी ग्रिप हो रहा है, यहां मेरा शोल्डर है, ये देख रहे हो मैंने पूरा इसको प्रेशर दे रखा है, रेडी गो। यही चीज आपको करना है अपने शोल्डर के साथ, जब आप अपनी फिंगर रखोगे, ठीक है। आपकी फिंगर रखते ही आपको अपनी फिंगर से अंदर कप करना है, आपको अपनी फिंगर पे पहले ही इतना प्रेशर रखना है कि उसका ग्रिप अनकंफर्टेबल हो जाए। अभी मैंने पूरा हाथ आगे बढ़ा दिया है, जब थंब क्लोज होंगे, थंब क्लोज होने के बाद मैं उसके थंब पे प्रेशर डालूंगा और यहाँ पर मैंने पूरा गैप बना लिया है, ठीक है। एंड रेडी गो में मैं यहाँ पर कपिंग करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, दो टाइप के हुकर होते हैं इसमें भी, या तो सीधा कप करते हुए इधर मारते हैं, लाइक आपने देखा होगा आकाश कुमार को, वो अपने फिंगर और कपिंग स्ट्रेंथ से सीधा कप करके सीधा मार देते हैं, ठीक है। और कुछ हुकर होते हैं जो अपनी फिंगर रखने के बाद बैक प्रेशर पे आते हैं, बैक प्रेशर के साथ हुक मारते हैं, लाइक सचिन गोयल, ठीक है। आपने देखा होगा सचिन गोयल का कितने भी मैचेस हुए उन्होंने पहले बैक प्रेशर के साथ हुक बनाया उसके बाद फिंगर है। बट अगर आप यहीं पर अस्कर अली, तेजस गोपी इनको देखो, आकाश कुमार को देखो, तो वो रेडी गो पे यहीं पर हुक बना लेते हैं और यहीं से अपने प्रेशर को पिन करते हैं, अपने अपोनेंट को पिन कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें देखा दो तीन चीजें बहुत ज्यादा बेसिक है कि जब आप ग्रिप ले रहे हो तो आपका गैप ज्यादा होना चाहिए, आपका हाथ पूरा आगे होना चाहिए, ठीक है। ये नॉन स्ट्रैप है। इफ अब हम बात करते हैं स्ट्रैप की, कि स्ट्रैप में हमें क्या करना है। तो आप देखो स्ट्रैप में, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैप में टॉप रोलर क्या करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पीछे पुल करता है, पूरा पीछे पुल करके रखता है। हमें वो नहीं करने देना, हमें रेफरी से पहले तो सेंटर बोलना है कि सेंटर चाहिए और हाथ बिल्कुल आगे, ठीक है। वो जितना पीछे लेके जा रहा है आप उतना ही आगे लेके जाओ हाथ को। अब अपनी एल्बो पीछे रखो, ठीक है, और हाथ पूरा आगे। वो जितना पीछे लेके जाएगा, सपोज ये पीछे लेके जा रहा है, लेके जा, तो मैं भी आगे लेके जाऊंगा ताकि मैं डिस्टेंस कवर करूं, नहीं तो मैं अपनी फिंगर से हाथ खींचूंगा इसे। अब रेफरी ग्रिप हो रहा है तो रेफरी हमेशा दोनों तरफ से हाथ पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो आप बस रेफरी को ये बोलो कि अंगूठे बराबर करवा दो, ये थंब का गैप बराबर करवा। अब होता क्या है, हुकर टॉप रोलर तो हमेशा नीचे से बंद हुआ था, अब हम भी यहीं से लेंगे, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बिल्कुल एक इंच पे लेंगे, ठीक है। हम अपना रिस्ट से हल्का सा नीचे रखेंगे और पूरा स्ट्रैप आपको अच्छे से टाइट करवाना है। और जब यहाँ पे आपका बक्कल टाइट होने वाला हो, सपोज जब यहाँ बक्कल, अब यहाँ बक्कल टाइट होने वाला है, ठीक है। अब रेफरीज क्या होता है, क्योंकि जब यहाँ खींचते हैं तो टॉप रोलर अपना गैप मेंटेन करता है यू करके, जो अभी इस समय अतिकेश कर रहा है,
तो मेरे को क्या करना है इस समय, जब रेफरी टाइट करेगा तो मेरे को अपना हाथ आगे बढ़ाना है, अपना ये थंब वाले पार्ट से, मैंने आपको बताया ये वाले पार्ट से, इसके पार्ट पे कुछ प्रेशर देना है, ये पार्ट, ये आप देख पा रहे होंगे मैं ये प्रेशर दे रहा हूं उसको, मैंने यहां प्रेशर दे दिया और टाइट हो गया। अब इसको कितना भी हो जाए, मेरे पास पूरा गैप है, ये मैं कितना भी गैप बना ले नहीं बना पाएगा, मैंने पूरा गैप ले लिया इसका, क्योंकि मैंने अपने थंब वाले पार्ट से आगे पुल कर दिया इसको, तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली आगे चला गया इसके हाथ के साथ। अब ये स्ट्रैप यहां पर टाइट हो गया, ठीक है, चलो डाउन। अब मैं अपने शोल्डर के अलाइनमेंट को प्रेशर देके रखूंगा साइड सेंटर पे, यहां मैंने ग्रिप रखा अपनी फिंगर से, रेडी हो, यहां पे आप देख पा रहे हैं अब ये फंस गया। अब यहाँ पे मेरे लिए बहुत इजी है इसको पिन करना, क्योंकि आप देख पा रहे हो मैं कितना आगे हूँ इसके हाथ पे, ये चाहकर भी टॉप रोल नहीं मार पाएगा। आप देख पा, अगर आपको मैं दिखाता हूँ इधर आके, आप एक मिनट, आप ये चीज देखो मेरा हाथ कितना आगे, अगर इसका हाथ पीछे होता तो मैं नहीं रख पाता ग्रिप, पर मैंने अपना हाथ पूरा आगे बढ़ा दिया इसके हाथ के साथ, तो अभी कितने भी कोशिश कर ले ये कुछ नहीं कर सकता मेरे हाथ पे, ठीक है। अगर बहुत अच्छा टॉप रोलर है तो नहीं कह सकता, उसके लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होगी, लाइक सचिन गोयल, लश्कर अली, इनकी जैसी स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये तो था आपका स्ट्रैप, और नॉन स्ट्रैप में आप हुकर के अगेंस्ट क्या खेल सकते हो, पर इसमें आपको दो तीन चीजों का ख्याल अब भी रखना है, वो ये है कि आपका शोल्डर अलाइनमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका कपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका फिंगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका पावर बहुत ज्यादा हो, बाइसेप पावर, शोल्डर पावर, ट्राइसेप प्रेस, क्योंकि हुक्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। बात कर लें इनके वर्कआउट की, तो इनके वर्कआउट कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होते, अगर आपको फिंगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप बोरी निचोड़ सकते हैं, ठीक है, बोरे को गीला करके आप उसको निचोड़ सकते हैं फिंगर स्ट्रेंथ के लिए। कपिंग के लिए आप अपने जिम में जा सकते हैं, जिम में अगर आपके पास टेबल है तो भी ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कपिंग करना चाहते हो तो आपके जिम में ये होगा, आप इससे कपिंग कर सकते हैं, आप चाहो तो इस पे फैट ग्रिप यूज कर सकते हो अगर आपके फैट ग्रिप है, इफ आपके फैट ग्रिप नहीं है तो आप इस पे एक टावल को भी रोल कर सकते हो, टावल को रोल करके आप इसको ऊपर से बिल्कुल कप कर सकते हो, ठीक है, वो वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है कपिंग का, ठीक है। एंड थर्ड एक्सरसाइज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी रिस्ट है, तो आप रिस्ट कर्ल कर सकते हो, ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज के लिए अपनी रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड बाइसेप पावर के लिए आपको जो आपका साइड प्रेशर है, बेसिकली साइड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप 45 डिग्री से अपने साइड प्रेशर को ट्रेन कर सकते हो, हर एंगल से, सामने से भी, 45 डिग्री से भी, साइड से भी, बट मैं साइड से ज्यादा आपको नहीं कहूंगा ट्राई करने को, क्योंकि इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं साइड से, तो आप सामने से और 45 डिग्री से ट्राई करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आपको इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए वर्कआउट के ऊपर, वैसे तो मैंने पुरानी अपलोड कर रखी है, बट अगर आपको और अच्छे से इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी तब आगे शेयर करना अपने नए हुकर्स दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में अगली बार, जब तक के लिए राम राम सभी।